हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। हम कुलम्स लॉ को डिस्कस कर रहे थे। हमने चार्जेस के बारे में देखा, हमने कुलम्स लॉ को देखा। अब हम आज कुलम्स लॉ के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे कुलम्स लॉ के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, लिमिटेशंस में हमने देख लिए। आज हम डिस्कस थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चैप्टर टू में भी इसका यूज करेंगे जब हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, वहां पर इसका खैर ज्यादा एप्लीकेशन है वहां पर। तो अभी इसको समझ लेते हैं, क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या मतलब है इसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हमें क्या पता चलता है। देखिए, हमने हमने देखा था कि अलग अलग मीडियम में, अलग अलग मीडियम में जो फोर्सेस होते हैं वो अलग अलग लगते हैं। जैसे कि अगर मेरा ये चार्ज Q1 है और मेरा ये चार्ज Q2 है, सपोज दैट मेरा ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, अगर ये r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो r है, और ये एयर में रखे हैं या वैक्यूम में रखे हैं। मान लेते हैं ये जो मीडियम है मेरा जिसमें चार्ज प्लेस्ड है, वो चार्ज हमारा एयर, वो मीडियम हमारा क्या है, एयर है। तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा 1/4πε0। क्योंकि हम एयर या वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो जो हम परमिटिविटी यूज करेंगे वो ε0 करेंगे, Q1 Q2 upon r square। ये हम फोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब ये जो फोर्स है वो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पर लगाएंगे, जितना यही फोर्स Q1 Q2 पर लगाएगा और सेम अमाउंट का फोर्स Q2 भी Q1 पर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ अगर हम मीडियम चेंज कर दें, हम सिर्फ मीडियम बदलेंगे और कुछ नहीं, चार्जेस सेम रखेंगे, वही Q1 चार्ज, वही Q2 चार्ज, डिस्टेंस सेम रखेंगे r, लेकिन अब मीडियम हमारा वाटर हो गया। मीडियम हमारा क्या हो गया, मान लेते हैं मीडियम बदल के ये मीडियम जो है ये वाटर का मीडियम हो गया है, वाटर, ये जो मीडियम है हमारा ये वाटर का मीडियम हो गया। ये मीडियम कौन सा था, ये एयर वाला था, ठीक है, ये मीडियम एयर का था, ये मीडियम वाटर का है। अब कितना फोर्स लगेगा, अब फोर्स लगेगा F=1/4πε0। यूज नहीं करेंगे, मीडियम बदल गया, अलग अलग मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होती है, मैंने आपको बताया था जब हम कूलम्स लॉ को डिराइव कर रहे थे, ठीक है। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2 upon r² लगेगा। तो आप देख सकते हैं अगर परमिटिविटी अलग अलग है मीडियम्स की तो फोर्स भी बदल जाए। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बताता है आपको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको यह बताता है कि एयर के रिस्पेक्ट में बाकी मीडियम से फोर्स कितने टाइम्स बढ़ रहा है या फोर्स कितने टाइम घट रहा है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें यह बताता है कि विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम्स में फोर्स कितना टाइम्स बढ़ रहा है या कितना टाइम्स घट रहा है। ऑलमोस्ट फोर्स हमेशा घटता ही, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो होता है, उसको कैलकुलेट करने का तरीका यह होता है एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, किसी मीडियम की परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इससे हमारा क्या आता है, इससे हमारा डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट आता है। इसको रिप्रेजेंट कापा से करते हैं, ये जो के जैसा सिंबल है ये ग्रीक लेटर है जिसको हम कापा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, ये हमारा डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। कभी कभी कापा से डिनोट करते हैं, अच्छा, इसी को कभी कभी हम लोग जो है हम ER से भी डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन r, रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन r से भी डिनोट किया जाता है। सेम चीज है, चाहे आपके कापा से करिए चाहे आप एप्सिलॉन r से करिए, लेकिन ज्यादातर यूज कापा का किया जाता है। आप बुक्स वगैरह में देखोगे तो कापा का ज्यादा यूज करा जाता है। तो क्या बता रहा है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, फिर से सुनिएगा, एयर के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम में जो फोर्स है वो कितना टाइम्स इंक्रीज हो रहा है या कितना टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, ये हमें कापा से पता चलता है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, अगर हम ये तो जो हमने डाइलेक्ट्रिक डिस्कस किया है परमिटिविटी के रिस्पेक्ट में, क्या ना कि किसी मीडियम की परमिटिविटी एयर के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स ज्यादा है या कितने टाइम्स कम है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, परमिटिविटी जितना टाइम ज्यादा हो जाए, जैसे मैं मान लेता हूं कोई मीडियम हमारा है, कोई मान लेते हैं मीडियम है एप्सिलॉन, सपोज दैट कोई मीडियम हमारा एप्सिलॉन 1 है, ठीक है, और इस मीडियम के लिए कोई मीडियम हम 1 मान लेते हैं, मीडियम 1 मान लेते हैं, इस मीडियम 1 में जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन 1 है, और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस मीडियम का वो मान लेते हैं 10 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 10 है,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10। क्या मतलब है इसका? यानी इसका मतलब यह है कि एयर के रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में जो परमिटिविटी है वो 10 टाइम्स है। एयर के रिस्पेक्ट में जो परमिटिविटी है वो क्या है? वो 10 टाइम्स। अरे बात समझ में, परमिटिविटी क्या है? 10 टाइम्स। अगर हम देखें तो कापा क्या होता है, अगर आप देखिए यहां से, अगर आप इसको यहां से इस इक्वेशन को थोड़ा सा मुझे इरेजर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर हम एप्सिलॉन मीडियम की बात करें, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज कापा, देन एप्सिलॉन मीडियम इज इक्वल्स टू कापा टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन इधर है, वो इधर जाकर के कापा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मेरे किसी कोई मीडियम वन मैंने लेट किया है, उस मीडियम वन का परमिटिविटी एप्सिलॉन वन है और उसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू है वो 10 है, तो इसका मतलब वो जो मीडियम वन है उसकी जो परमिटिविटी होगी एयर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी? 10 टाइम्स हो जाएगी। तो परमिटिविटी बढ़ने से क्या होगा? फोर्स कम हो जाएगा। अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी एयर से ज्यादा है या एयर से 5 टाइम्स 10 टाइम्स 80 टाइम्स है, तो होगा क्या, उस केस में जो उस मीडियम में लगने वाला फोर्स है वो उतना टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है, अगर परमिटिविटी 10 टाइम्स बढ़ रही है, अगर परमिटिविटी 10 टाइम्स बढ़ रही है, तो अगर एयर में वो फोर्स 100 न्यूटन का लग रहा था, एफ नॉट यानी एयर में जो फोर्स अगर 100 न्यूटन का लग रहा था, चार्जेस के बीच में जो एयर में फोर्स लग रहा था, अगर वो 100 न्यूटन का लग रहा था, तो उस मीडियम में जो फोर्स है, उस मीडियम में जो फोर्स है वो क्या होगा, 100 को आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10 न्यूटन लगेगा। मतलब जितने टाइम्स आपकी परमिटिविटी बढ़ेगी एयर के रिस्पेक्ट में, जितने टाइम्स आपकी परमिटिविटी बढ़ेगी उतने टाइम्स आपका फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। दैट्स द कॉन्सेप्ट। ठीक है, जितना टाइम्स परमिटिविटी एयर में बढ़ जाए, एयर के रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगी, फोर्स उतना टाइम्स आपका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, फोर्स के रिस्पेक्ट में अगर हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करनी है तो कैसे करेंगे? अच्छा, ये नोट कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा एग्जांपल नोट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। यहां पर लिखा गया द रेशियो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अच्छा, यहां ई लिखा हुआ है, इस ई से, इसको ई से डिनोट नहीं करते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर आप इसको एप्सिलॉन कर लीजिए। ठीक, एप्सिलॉन कर लीजिए, तो यहां पर ये आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी परमिटिविटी, ये रिलेटिव परमिटिविटी है। इसको जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, हमारी रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। क्या बताता है ये हमें? ये बताता है कि एयर के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम की परमिटिविटी कितने टाइम्स बढ़ गई है या घट गई, ऑलमोस्ट बढ़ती ही है। ठीक है, अगर परमिटिविटी बढ़ गई तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा फोर्स पर, जितने टाइम्स परमिटिविटी बढ़ेगी, परमिटिविटी जितने टाइम्स बढ़ेगी फोर्स उतना टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। इसको मैं अभी आपको करके दिखाता हूं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लिख लीजिए इसको पॉज करके। ठीक है, देखिए हमने देखा एप्सिलॉन मीडियम इज इक्वल्स टू कापा टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। मान लेते कोई एयर के, अगर एयर के रिस्पेक्ट में फोर्स निकाल रहे हैं तो हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R square। मान लेते हैं सेम चार्जेस सेम डिस्टेंस पर किसी दूसरे मीडियम में रखें, ठीक है, तो कितना फोर्स लगेगा, तो कितना फोर्स लगेगा, फोर्स इन मीडियम, किसी दूसरे मीडियम में अगर फोर्स लगेगा तो ये लगेगा 4π epsilon medium Q1 Q2 upon R square। अच्छा, जरा इन दोनों का रेशियो निकालिए, एफ नॉट और एफ मीडियम का निकालते हैं रेशियो, रेशियो निकालते हैं एफ नॉट एंड एफ मीडियम का, एफ नॉट अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4π epsilon naught Q1 Q2 upon R square अपॉन एफ मीडियम कितना है, 1/4π epsilon medium Q1 Q2 upon R square। अच्छा, बेसिक मैथ्स है, अगर मुझे इस डिवीजन वाले, इस डिवीजन को हटा के मल्टीप्लीकेशन का यूज करना है तो मुझे क्या करना होगा, जो नीचे हमारा फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकेट करना होगा, उसका रेसिप्रोकल करना होगा। देखिए कैसे करेंगे, एक सेकेंड,
जगह की थोड़ी कमी है। चलिए अच्छा, रेसिप्रोकेट वाला सिस्टम नहीं करते हम, यहीं पर कैंसिल आउट कर देते हैं, हम यहीं पर जो है कैंसिल आउट करते हैं। देखिए Q1 और इसका ये चीजें कॉमन, ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, बचेगा 1/4πε0 अपॉन 1/4πε मीडियम बचेगा। अब इस डेसिमल को हटा करके हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये होगा 1/4πε0। डेसिमल हटाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे जो नीचे जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4πε मीडियम अपॉन 1। तो 4π से 4π कैंसिल, क्या बचा हमारा 1 × εmedium, हमें एप्सिलॉन मीडियम मिलेगा अपॉन क्या बच रहा है, εr × 1 εr। तो आप देखिए जब आपने फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन अ मीडियम का रेशियो निकाला तो आपको मिला एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिएगा ध्यान से, जब आपने फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम का रेशियो निकाला तो आपको मिला एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या देता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपको दो मीडियम, अगर आपको फोर्स पता है एयर के रिस्पेक्ट में दो चार्जेस के बीच का, और किसी उस मीडियम के रिस्पेक्ट में फोर्स पता है आपको दो चार्जेस के बीच का, तो आप उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप, क्या करेंगे आप, फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन दैट मीडियम का रेशियो निकाल लेंगे तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा वो उस मीडियम का आ जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट। आ रही बात समझ, ठीक है। अब यहां पर अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आप यहां पर ध्यान दीजिए एक चीज, तो यहां पर मैंने बोला था कि जितना टाइम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जितना टाइम्स परमिटिविटी बढ़ेगी, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना टाइम्स होगा एयर के रिस्पेक्ट में उतना ही टाइम्स फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, इस बात को भी हम लोग समझते हैं। चलिए इसको इरेज कर लीजिए, मैं इसको लिख लीजिए, मैं इरेज करता हूं, ठीक है, पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए, किसी मीडियम में आप फोर्स निकालते हैं, फोर्स इन अ मीडियम, देन 1/4πε मीडियम आप करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप चाहें तो एप्सिलॉन मीडियम की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, कापा टाइम्स, मतलब उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक इंटू एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई से आप क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन मीडियम को रिप्लेस कर सकते हैं, अभी हमने देखा इस बात को। अच्छा, क्या करते हैं, कापा को बाहर निकालते हैं, जब हम कापा को बाहर निकालेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली फोर्स जो कि एयर में लगने वाला है वो है, फोर्स जो कि एयर में लगने वाला है। तो यहां से आप देखिए, फोर्स इन अ मीडियम इज इक्वल्स टू 1/कापा टाइम्स फोर्स इन एयर, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहां पर डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जितना टाइम्स आपका बढ़ा था, मतलब आपकी परमिटिविटी जितनी टाइम्स बढ़ गई थी वही आपका डाइलेक्ट्रिक था, परमिटिविटी आपकी जितनी टाइम्स बढ़ गई थी वही आपका डाइलेक्ट्रिक था। तो परमिटिविटी जितनी टाइम्स बढ़ेगी उतने टाइम्स आपका फोर्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। दैट्स द कॉन्सेप्ट, जितने टाइम्स आपकी परमिटिविटी बढ़ जाएगी उतने टाइम्स आपका फोर्स उस मीडियम में डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम परमिटिविटी के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली, बहुत सारी चीजें देखें, थोड़े बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, 1 मार्क के क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर एयर में फोर्स 100 न्यूटन का लग रहा है तो उस मीडियम में कितना फोर्स लगेगा जिस मीडियम की परमिटिविटी 100 है, या जिस मीडियम की परमिटिविटी 10 है, या जिस मीडियम की परमिटिविटी 15 है, तो बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको एयर में फोर्स दिया गया है तो जो परमिटिविटी आपको दी गई है उस परमिटिविटी से आप एयर का फोर्स, एयर में लगने वाले फोर्स को डिवाइड कर दीजिए, तो उस मीडियम, जिस मीडियम की परमिटिविटी दी गई है उस मीडियम का फोर्स निकल आएगा। बहुत सिंपल, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे ही मैं बना लेता हूं एक क्वेश्चन, इसको लिख लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसी मान लेते हैं एयर में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स इन एयर वो लग रहा है 80 न्यूटन का, फोर्स लगा है 18 न्यूटन का, और हमें एक मीडियम है उसकी परमिटिविटी दी हुई है जो कि क्या है 16 है, जो कि क्या है 16, और हमसे पूछ रहा है कि इस मीडियम की, जिस मीडियम की परमिटिविटी दी गई है उस मीडियम में चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा। अगर सिर्फ मीडियम बदला जाए, उनके बीच की डिस्टेंस वगैरह ना बदली जाए, तो फोर्स जो मीडियम में लगेगा वो बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना, जो फोर्स मीडियम में लगेगा, जो फोर्स उस मीडियम में लगेगा वो क्या होगा, वो एयर में लगने वाले फोर्स का कापा टाइम्स, मतलब कापा से डिक्री, मतलब कापर टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करिए,
इसको सॉल्व कर लीजिए बस। टेबल तो आती होगी 16 5 18, तो 5 न्यूटन। तो जो उस मीडियम में फोर्स लगेगा वो 5 न्यूटन का लगेगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं मार्क्स। ठीक है, तो क्वेश्चन भी हमने छोटा सा देख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डेफिनेशन तो मैंने एक बार भी नहीं पढ़ी, वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है। क्या लिखा है? परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम व्हिच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम। कितना फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगेगा, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? परमिटिविटी की मदद से पता कर सकते हैं। अगर हमें ये पता हो कि एयर में उन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा था, ठीक है, यही सारा हमने डिस्कस किया है। और फिर इसका प्रॉपर जो डेफिनेशन लिखा गया है कि जो रेशियो होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का, उसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। आई होप आपको डाइलेक्ट्रिक समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक। अभी तक ना हमने कूलम्स लॉ में दो चार्जेस के बीच में फोर्स की बात करी थी। हमने बात की थी कि अगर दो चार्ज एयर में रखे होंगे या किसी मीडियम में रखे होंगे तो उनके बीच में कितना फोर्स काम कर रहा होगा। लेकिन अगर वहीं हम बात करें, कई सारे चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस, चलिए देखते हैं इस चीज। ये हमारा एक सिस्टम है, यहां पर क्यू नॉट चार्ज, यहां पर Q1 चार्ज, यहां पर Q2 चार्ज और यहां पर Q3 चार्ज है, और सपोज दैट यहां पर हमारा Q4 चार्ज। चार चार्जेस हमने ले लिया, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, चार चार्जेस हमने लिए। तो अगर मैं बात करता हूं Q0 की, Q0 हमारा जो चार्ज है उसके चारों तरफ Q1, Q2, Q3, Q4 प्रेजेंट है, तो इस Q0 पर क्या सिर्फ Q1 की वजह से फोर्स लगेगा, या इस Q0 पर सिर्फ Q4 की वजह से फोर्स लगेगा, या Q0 पर सिर्फ Q2 की वजह से फोर्स लगेगा? नहीं, Q0 भाई सबसे सराउंडेड है तो सभी उस पर फोर्स लगाएंगे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें यही बताता है कि किसी भी चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है, किसी भी चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है वो उस पे सारे चार्जेस जितना फोर्स लगा रहे ना उसका नेट फोर्स है। सारे चार्जेस जितना भी फोर्स लगा रहे हैं उसका नेट फोर्स जो है वही उस चार्ज पर फोर्स लग रहा है। अरे उस सारे चार्जेस का जो फोर्सेस का वेक्टर सम है, जैसे Q1 कुछ फोर्स लगा रहा होगा, Q4 कुछ फोर्स लगा रहा होगा, Q2 कुछ फोर्स लगा रहा होगा, Q3 कुछ फोर्स लगा रहा होगा Q0 पर, तो इन सारे चार्जेस का जो फोर्स है इनका जब हम वेक्टर सम करके एक नेट फोर्स निकालते हैं, इनका वेक्टर सम करके हम नेट फोर्स निकालते हैं, तो वही नेट फोर्स Q0 पर काम करता है। अच्छा, वेक्टर सम क्यों कर रहे हैं? वेक्टर सम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग ही होता है। तो Q0 पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो नेट फोर्स होगा, और वो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? वो नेट फोर्स Q1, Q4, Q2 और Q3 का वेक्टर एडिशन करके निकालेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा डिराइव करते हैं एक्सप्रेशन को। ठीक है, एक एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं। ये हम एक सिस्टम मान लेते हैं, इस सिस्टम में ये ओरिजिन है, ये हमारी मान लेते हैं, यहां से Q0 R0 डिस्टेंस पर रखा है। अच्छा, एक्चुअली R0 ये हमारा पोजीशन वेक्टर, डिस्कस किया है ना मैंने पोजीशन वेक्टर लास्ट लेक्चर्स में। क्या होता है पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर ये बताता है कि हम कितनी दूर हैं, मतलब कितने डिस्टेंस दूर हैं और किस डायरेक्शन में, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, Q1 जो है वो R1 डिस्टेंस है ओरिजिन से। अच्छा, Q4 के लिए यहां से लाइन निकालनी पड़ेगी। चलो एक सेकेंड, ये Q3, ये R3 डिस्टेंस से मान लेते हैं और इस डायरेक्शन में ये Q2 R2। चलिए चौथा चार्ज रहने ही देते हैं, तीन चार्ज से ही कर लेते हैं अपने डेरिवेशन। तो यहां पर अब Q1 Q0 पर फोर्स लगाएगा, समझिएगा, यहां पर Q1 जो है Q0 पर फोर्स लगाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, अच्छा Q1 Q0 पर फोर्स लगाएगा तो इस फोर्स का क्या नाम होगा? F01। वेरी गुड, F01 क्यों होगा? क्योंकि फोर्स Q0 पर लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है? Q1 की वजह से लग रहा है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? F01। डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की? इस तरफ, क्योंकि देखो हम जो डेरिवेशन करते हैं ना, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितनी भी डेरिवेशन करेंगे हम ये मान के चलेंगे कि अगर चार्ज का हमें चार्ज का हमें मतलब ये नहीं पता कि चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम उसे पॉजिटिव कंसिडर करना होगा। तो यहां पर Q1 Q0 को रिपल करेगा क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव। ठीक है,
अच्छा क्यू क्यू टू कितना फोर्स लगाएगा, क्यू टू इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाएगा, ऐसे फोर्स लगाएगा ऐसे, ठीक है, और कितना लगाएगा, एफ जीरो टू फोर्स लगाएगा, एफ जीरो टू अमाउंट का फोर्स लगाएगा। एफ जीरो टू क्यों, क्योंकि फोर्स ऑन जीरो चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू चार्ज क्यू टू, ठीक है। अच्छा एफ थ्री कितना फोर्स लगाएगा, एफ थ्री ऐसे फोर्स लगाएगा, इस तरफ कुछ ऐसा फोर्स होगा, ये कितना फोर्स होगा, ये होगा एफ जीरो थ्री, ठीक है। तो देखो क्यू नॉट पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, वन टू एंड थ्री तीनों लगा रहे हैं ना, तो तीनों के अलग अलग डायरेक्शन है फोर्सेस की। तो यहां पर पहले हम देखते हैं कि क्यू वन कितना फोर्स लगा रहा था, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू वन, तो ये क्या आएगा, क्या आएगा के क्यू वन क्यू नॉट अपॉन आर। अच्छा यहां पर, अब यहां पर जो हम पोजिशन वैक्टर लेंगे वो क्या लेंगे, यहां पर जो हम पोजिशन वैक्टर लेंगे वो क्या लेंगे, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, समझने वाली बात। यहां पर सिर्फ मैं Q0 और Q1 को ड्रॉ करके समझाता हूं। जैसे हमारा मान लेते हैं ये ओरिजिन, ठीक है, यहां पर हमारा Q1 है, यहां पे हमारा Q0, समझिएगा, ये डिस्टेंस R0 है अभी हमने देखा, ये डिस्टेंस R1 है अभी हमने इसको भी देखा, और हमारा जो पोजीशन वेक्टर अब होगा वो 1 से 2 की तरफ होगा। देखो मैंने बताया था फोर्स कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, Q0 पे लगा रहा है, तो किसको जाना होगा फोर्स लगाने के लिए, ऑब्वियस सी बात है जो फोर्स लगाएगा, लो फोर्स लगा कौन रहा है, Q1 लगा रहा है, तो जो पोजीशन वेक्टर होगा वो 1 से 0 की तरफ होगा, वो कहां से कहां होगा, 1 से 0 की तरफ होगा, ठीक है। तो अब इस पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें, तो यहां पर देखिए, यहां पर हमें कहां से कहां जाना है, हमें 1 से जाना है 0 की तरफ, वन से जाना है जीरो की तरफ। तो यहां पर जब हम पोजीशन वेक्टर यूज करेंगे आर वन जीरो करेंगे, क्या करेंगे, आर वन जीरो करेंगे, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं इसको समझाने के लिए अलग से बनाया था। तो यहां पर जब हम पोजीशन वेक्टर यूज करेंगे वो क्या करेंगे, आर वन जीरो करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आर वन जीरो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर हो गया। यहां क्यू थ्री जो क्यू नॉट पर लगा रहा है इसके लिए जो पोजिशन वैक्टर यूज करेंगे आर थ्री जीरो, और Q2 जो Q0 पर फोर्स लगा रहा है इसके लिए पोजीशन वेक्टर यूज करेंगे R20, वेरी गुड, ठीक। चलिए तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे R10, ठीक है, स्क्वायर। लेकिन यहां पर तो हम वेक्टर की बात कर रहे हैं, यहां पर तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पोजिशन वैक्टर की डायरेक्शन बताना पड़ेगा हमें यहां पर, ठीक है, पोजिशन वैक्टर की डायरेक्शन बताना पड़ेगा, ठीक है। अगला, अच्छा एफ जीरो टू फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू टू, तो ये क्या होगा के क्यू टू क्यू नॉट अपॉन आर टू जीरो ना, और ये क्या हो जाएगा आर टू क्या, अच्छा फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू थ्री, ये क्या हो जाएगा के क्यू थ्री इंटू क्यू नॉट अपॉन आर थ्री जीरो इंटू आर थ्री नॉट क्या। देखो भैया ये जो चीज है ना ये मैग्नीट्यूड देगी सिर्फ आपको, लेकिन आपने फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखा है ना, तो फैक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो ये मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, तो ये आपका कंप्लीट वेक्टर फॉर्म आ जाएगा फोर्स का, ठीक है। इसलिए किया है ऐसा, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया काफी अच्छे से, ठीक है। अच्छा तो नेट फोर्स क्यू नॉट पर कितना काम करेगा, नेट फोर्स एफ नॉट क्या होगा, ये एफ नॉट नेट फोर्स है क्यू नॉट पर लगने वाला, तो ये होगा एफ जीरो वन प्लस एफ जीरो टू प्लस एफ जीरो थ्री। मान लेते हैं एन नंबर ऑफ चार्जेस होते तो क्या होता, प्लस डॉट 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 एफ जीरो एन, ठीक है, एफ जीरो एन, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, लिखते हैं इन चीजों को, प्लस डायरेक्शन छूट गई क्या, अच्छा अच्छा डायरेक्शन छूट गई, कोई बात नहीं, लिख देते, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस उस एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं जो यहां हमने लिखी थी फोर्सेस की,
डॉट डॉट डॉट, कुछ अलग सा ही डॉट बन गया। क्यू एन क्यू नॉट आर एन नॉट का स्क्वायर आर एन नॉट कैप। इस तरह से हम वेक्टर एडिशन करके नेट फोर्स एफ नॉट निकाल लेंगे। अभी ये फाइनल सॉल्व नहीं किया, इसको और कॉन्साइज करेंगे, इसको हम और कॉन्साइज करेंगे। कैसे करेंगे कॉन्साइज? कॉमन वगैरह लेकर के। तो पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यहां मैंने कलर का अलग अलग कलर का यूज इसलिए कर दिया ताकि ये फिगर कॉम्प्लिकेटेड ना हो, आप देख लीजिए, ठीक। मैं हट जाता हूं, आप इसको ले लिया, फोटो ले लिया, लिख लिया, पॉज करके लिख लो, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं सब, अभी आगे करेंगे। इस एक्सप्रेशन को लिख लेना, इसी एक्सप्रेशन को मैं बाद में लिखूंगा और इसी के आगे सॉल्व करूंगा अभी, ठीक है। लिख लेना इसको, मैं मिटा रहा हूं, मिटा दिया, हो गया। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर क्या निकाला था हमने? एफ नॉट, ये क्या आएगा? के क्यू वन क्यू नॉट अपॉन आर वन नॉट स्क्वेयर इंटू आर वन नॉट या वन जीरो कैप प्लस के क्यू टू क्यू नॉट अपॉन आर टू जीरो या आर टू नॉट इंटू आर टू नॉट कैप प्लस के क्यू थ्री क्यू नॉट आर थ्री नॉट स्क्वेयर इंटू आर थ्री नॉट कैप एंड रिमेनिंग। बहुत सारे ऐसे चार्जेस हैं जो फोर्स लगा रहे थे क्यू नॉट पर, तो मान लेते हैं क्यू एन फाइनल चार्ज है जो कि हमारा क्यू नॉट पर फोर्स लगा रहा था। तो ये क्या हो जाएगा? आर एन नॉट स्क्वेयर इंटू आर एन नॉट कैप, ठीक है। अब देखो कॉमन करते हैं, बड़ा मजा आता है कॉमन निकालने। क्या क्या कॉमन निकल सकता है? बिल्कुल जी, ये कॉमन निकल गया, प्लस क्यू टू पता है मैथ्स में ना एक बहुत अच्छा सा टर्म है समेशन। आप इस इतने बड़े फॉर्म को एक छोटे से समेशन सिंबल का यूज करके बहुत छोटे से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बताता हूं, अभी समझाता हूं। समेशन n इज इक्वल टू, आपकी काउंटिंग कहां से शुरू है? वन से। कहां तक जा रही है? एन तक। आपके जो चार्जेस है वन से काउंट होते होते क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री करते करते क्यू एन तक जा रहे हैं और इन्हीं चार्जेस की वजह से आपको फोर्स निकालना है, ठीक है। तो यहां पर हम काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं वन से और कहां तक जाएंगे? स्मॉल एन तक जा रहे हैं। और यहां पर जहां पर हमारी काउंटिंग बढ़ रही है उसकी जगह पर जैसे वन बड़ा, यहां क्यू वन है तो यहां क्यू टू हो गया, यहां क्यू थ्री हो गया, तो वहां पर आप सिंपली आप कैपिटल एन लिख दीजिए अपॉन, यहां पर भी आपका वन है फिर टू है फिर थ्री है तो यहां पर आप कैपिटल एन नॉट लिख दीजिए, क्योंकि नॉट तो हर जगह वो चेंज नहीं हो रहा। यहां पर भी वन टू थ्री ऐसे है तो यहां पर आप कैपिटल एन लिख दीजिए। तो इतना बड़ा फॉर्म इतने छोटे से फॉर्म में आ गया, इतना बड़ा फॉर्म इतने छोटे से फॉर्म में आ गया। कहोगे सर समझ नहीं आया, मुझे पता ही नहीं आया होगा। देखो समझ में आने का तरीका ये कि इसको मैं रिवर्स तरीके से समझाता हूं। देखिए समेशन लगाने से क्या हो गया, समेशन का मतलब क्या है इसको समझना। देखो समेशन का मतलब क्या, यहां तक हमारा एक्सप्रेशन पूरा हो गया, ये हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हमने एक्सप्रेस कर लिया, इतना लिख लो। इसके बाद जो मैं समझा रहा हूं वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि समेशन का मतलब क्या है। तो देखिएगा मैथ्स वाले बच्चे तो फिर भी जानते हैं, बायो वाले बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें। समेशन लगाए ना, समेशन लगाए तो ध्यान दीजिएगा, जब हम समेशन हटाएंगे पहले थे आप ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि कॉमन था, समेशन के अंदर ये चीज फॉलो होगी, इसमें फॉलो नहीं होगी। ये इसका मतलब ये के क्यू नॉट इंटू इतना टर्म, तो इंटू का मतलब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब समेशन का मतलब क्या है, समेशन का मतलब क्या है? पहले हम वन से शुरू करेंगे, पहले एन की जगह पर वन रखेंगे, कैपिटल एन की जगह पर वन रखेंगे, ठीक है। कहां से शुरू करना है? वन से शुरू करना है, वन रखा। अब क्या करेंगे, अब समेशन का मतलब ये जैसे ही वन वाली वैल्यू रख देंगे फिर लगाएंगे प्लस, क्या लगाएंगे? प्लस। अब क्या करेंगे, अब एक नंबर बढ़ा देंगे तो वन के बाद क्या आता है? टू आता है, वन के बाद क्या आता है? टू आता है, तो हो जाएगा क्यू टू। अच्छा टू 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 का एक्सप्रेशन पूरा लिख दिया,
जिस समेशन जिस एक्सप्रेशन के आगे लगा था उस एक्सप्रेशन में 2 लिख दिया, अब एक नंबर और बढ़ाएंगे, प्लस लगाएंगे और एक नंबर और बढ़ाएंगे, क्यों 2 की बात करता है 3, तो अब क्या करेंगे, अब वहां पर जहां जहां एन वहां लिखेंगे 3। अच्छा पूरे एक्सप्रेशन में 3 लिख दिया, अब फिर प्लस लगाएंगे, देखो हम सम कर रहे हैं, हम एक एक नंबर बढ़ाते चले जा रहे हैं और एडिशन करते चले जा रहे हैं, यही हमारा समेशन। और कहां तक करेंगे ऐसा, ये कहां तक चलता रहेगा, जब तक हम स्मॉल एन तक नहीं पहुंच जाते, जब तक हम स्मॉल एन तक नहीं पहुंच जाते। तो इसी पूरे चीज को आप इस शॉर्ट फॉर्म में, आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज द यूज ऑफ समेशन। ये जादू है समेशन का, इतने बड़े फॉर्म को आपको नहीं लिखना पड़ेगा, आपको आप इस समेशन की मदद से उसको बहुत छोटे फॉर्म में, कॉन्साइज फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये था हमारा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। देखो बहरहाल ना इसका यूज नहीं होता, मैं सच बताऊं, आप जब आप कुलम्स लॉ के क्वेश्चन करोगे तो आप इसका कहीं यूज नहीं करो, आप यहां पर सिखाए गए कॉन्सेप्ट का यूज करोगे। और वो कॉन्सेप्ट बड़ा छोटा सा है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक चार्ज पर मल्टीपल चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, अगर एक चार्ज पर मल्टीपल चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं तो उस केस में आपको सारे चार्जेस की वजह से लगाए गए फोर्स का वेक्टर एडिशन करना होगा, बस। यानी हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो सिर्फ इतना सा है कि अगर किसी चार्ज पर फोर्स लग रहा है तो उस चार्ज पर जितने भी चार्ज फोर्स लगा रहे हैं उन सबका आप क्या कर दो, वेक्टर एडिशन कर दो, बस यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि एफ नॉट पर फोर्स लगा था, एफ नॉट पर नेट फोर्स कितना लगेगा, एफ नॉट पर फोर्स लगेगा 1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है प्लस 2 की वजह से प्लस 3 की वजह से, तो जितने भी चार्जेस केसेस पर फोर्स लग रहा है उन सारे चार्जेस का फोर्स निकाल कर उनका वेक्टर एडिशन कर दो, तो वही फोर्स क्यू नॉट पर काम करेगा। किसी एक चार्ज की वजह से, किसी अगर मान लेते हैं चार चार्जेस हैं तो क्यू नॉट पर सिर्फ Q1 की वजह से फोर्स काम नहीं करेगा, सिर्फ Q1 का फोर्स काम नहीं करेगा, Q2 का भी करेगा, Q3 वही करेगा। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमें क्यू नॉट पर लगने वाले नेट फोर्स को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे चार्जेस के द्वारा लगाए गए फोर्स का वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। चलो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया, इसको लिख लीजिए। ठीक है, मैं हट जाता हूं और अब हम आगे की तरफ, अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, कूलम्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, और हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर होगा। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे। चलिए मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, यहां पर हम कूलम्स लॉ पर न्यूमेरिकल करने से पहले एक इंडक्शन का न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अच्छा देखिए, मैं ना एनसीईआरटी के एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा और एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल, ठीक है, मैंने उस एग्जांपल को थोड़ा शॉर्ट तरीके से लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एग्जैक्ट एग्जांपल नंबर नहीं पता लेकिन स्टार्टिंग में ही है, तीसरा चौथा एग्जांपल होगा या पहले ही होगा, कह लीजिए, देख लीजिएगा। यहां पर क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट, मतलब एक आपको मेटल स्फीयर दिया हुआ है, आपको एक मेटल स्फीयर दिया हुआ है, आपको क्या करना है, आपको उसको पॉजिटिवली चार्ज करना है। ठीक है, आपको इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो कैसे करेंगे हम पॉजिटिवली चार्ज, चलिए देखते हैं। सपोज ये हमारा मेटल स्फीयर है, ठीक है, ये हमारा मेटल स्फीयर है, देखो ये ना अभी अनचार्ज्ड, अनचार्ज्ड का मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज ये कैरी कर रहा है उतने ही निगेटिव चार्ज भी कैरी कर रहा है, जितने पॉजिटिव चार्ज ये कैरी कर रहा है उतने ही निगेटिव चार्ज भी क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, जिस वजह से सारे चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और ये एक तरीके से न्यूट्रल है, अभी इसमें कोई चार्ज नहीं, अनचार्ज बॉडी है। अब हमें इसे पॉजिटिवली चार्ज करना है, हमें क्या करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना, और कैसे करना है, बिना टच करे, बिना टच करे, उसे बिना टच करे, या किसी हम नहीं टच कर सकते ना किसी दूसरी बॉडी से उसे टच करा सकते, और उसे हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है। क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा है, हम एक निगेटिवली चार्ज रॉड इस स्फीयर के पास ले आएंगे, कैसी रॉड, निगेटिवली चार्ज रॉड इस स्फीयर के पास ले आएंगे। ये निगेटिवली चार्ज रॉड क्या करेगा, जितने अब मैंने पहले ही बताया ना, इस स्फीयर में जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही निगेटिव चार्ज है, जिस वजह से जो नेट चार्ज है वो जीरो है, क्योंकि तो जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही निगेटिव चार्ज है, तो वो सारे चार्जेस क्या करेंगे, दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, और ये बॉडी अभी इस, और ये बॉडी अनचार्ज बॉडी कहलाएगी, लेकिन जैसे ही आप निगेटिवली चार्ज रॉड इस स्फीयर के पास लाओगे तो होगा क्या, सारे पॉजिटिव चार्ज इस एंड पर, जिस एंड की तरफ आपने रॉड लाए थे उस एंड के तरफ सारे पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएंगे, और ये निगेटिवली चार्ज दो काम कर रहा है, निगेटिवली चार्ज रॉड दो काम कर रहा है, सारे पॉजिटिव चार्ज को तो एक साइड अट्रैक्ट कर रहा है और सारे निगेटिव चार्ज को फार्दर एंड, मतलब दूर वाले सरफेस पर भेज दे रहा है, क्योंकि वो रिपेल कर रहा है ना सारे निगेटिव चार्ज को, सारे निगेटिव चार्जेस फार्दर एंड पर आ जाएंगे। तो अब इस केस में क्या हुआ है, इस केस में
ये स्फीयर एक साइड तो पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है, एक साइड निगेटिवली चार्ज, लेकिन हमारा काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है, हमें इस स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज रॉड बनाना है। अच्छा, अब क्या होगा अगर हम इसको हटा दें, अगर हम इस निगेटिवली चार्ज रॉड को हटा दें तो क्या होगा, ये मेटल स्फीयर फिर से अनचार्ज हो जाएगा, फिर से डिस्चार्ज हो जाएगा, कोई चार्ज कैरी नहीं करेगा। रीजन क्या है, फिर सारे पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे और कैंसिल आउट कर देंगे, कोई नेट इफेक्ट नहीं बच जाएगा चार्ज का। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ग्राउंड कर देंगे, हम इस निगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड करने का मतलब क्या है, आप दो चीजों से ग्राउंड कर सकते हैं। आप क्या करिए, या तो यहां पर कोई अनचार्ज रॉड ले आइए, वो अनचार्ज रॉड क्या करेगा, सारा का सारा निगेटिव चार्ज अब्सॉर्ब कर लेगा, या कोई पॉजिटिवली चार्ज रॉड ले जाइए, वो सारा का सारा निगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यहां से सारे निगेटिव चार्ज ग्राउंड होने की वजह से इस मेटल स्फीयर को छोड़ देंगे, और होगा क्या, इस मेटल स्फीयर पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा। ये रॉड अभी भी पास रखें। अब क्या होगा, जैसे ही आप रॉड हटाओगे ये सारा पॉजिटिव चार्ज पूरे मेटल सरफेस पे, पूरे मेटल स्फीयर में स्प्रेड आउट हो जाएगा, और ये स्फीयर क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इस तरीके से आप किसी मेटल स्फीयर को बिना टच करे आप उसे क्या कर सकते, पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज भी कर सकते। निगेटिव चार्ज करना होता तो क्या करते, बस एक चीज करते, यहां जैसे आपने निगेटिव रॉड लेकर के आप इस स्फीयर के पास गए थे, आप पॉजिटिव रॉड लेकर चले जाते, तो ये सारा का सारा निगेटिव इधर अट्रैक्ट कर लेता, सारा का सारा पॉजिटिव उधर रिपल कर देता, और आप फिर पॉजिटिव को ग्राउंड करा देते, हो जाता आपका मेटल, फिर यही सेम प्रोसेस अपनाते और आपका मेटल स्फीयर निगेटिवली चार्ज हो जाता। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इंडक्शन पर था।